बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको स्ट्रक्चर इन स्मॉल इंटेस्टाइन तक पढ़ा दिया था और अब जो है हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। और मैं आपका टीचर डॉक्टर मोहम्मद हबीब अमीन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम। तो आपको ड्यूडेनम का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, अब मैं यहाँ पे एक रफ सी डायग्राम बना के सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए भाई, ये जो ड्यूडेनम है, ड्यूडेनम में जो है हमारे पास दो डक्ट्स ओपन हो रहे होते हैं। दो डक्ट्स कौन कौन से ओपन होते हैं भाई? एक तो आता है पेनक्रियास से और एक आता है दूसरे कलर से इसको लिख देता हूँ। एक आता है हमारे पास पेनक्रियास से और दूसरा डक्ट आ रहा होता है हमारे पास लिवर साइड से। तो ये दोनों जो है मर्ज होते हैं और एक कॉमन ओपनिंग पे जाके ओपन होता है, जिसको हम हेपेटो पेनक्रियाटिक अपर्चर का नाम देते हैं। ये चीज़ें आपको लास्ट टाइम लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। तो पेनक्रियाटिक डक जो है, ये जो पेनक्रियास से आ रहा है इसको हम पेनक्रियाटिक डक बोलेंगे, पेनक्रियाटिक डक। मैं ये पढ़ाऊँगा अलग से भी, तो अभी कुछ चीज़ें सिर्फ डाइजेशन को समझने के लिए जो ज़रूरी है वो बताऊँगा। और जो दूसरी डक्ट है लिवर साइड से आ रही है उसको हम बाइल डक्ट बोलेंगे। अच्छा जी, तो पेनक्रियाटिक डक्ट पेनक्रियास से आ रहा है और ये लेकर आता है पेनक्रियाटिक जूस, ये लेकर आता है पेनक्रियाटिक जूस। और जो बाइल डक्ट है वो ऑब्वियसली लिवर और गॉल ब्लैडर से आ रहा है और ये लेकर आते हैं बाइल जूस। ये वो है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। सही, दीज आर द जूसेस, दीज आर द सिक्रीशन दैट हेल्प इन डाइजेशन। और स्टमक से जो है फूड जो है सीधा सीधा हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर के बाद जो है वो सीधा ड्यूडेनम में एंटर हो जाता है। तो ड्यूडेनम में जो एंटर होता है फूड स्टमक से, वो उसको हम कहते हैं काइम। और वो सॉल्यूबल फूड होता है हमारे पास, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूबल होता है बट हाईली एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तभी जो है यहाँ से थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है स्टमक का, स्टमक से काइम का रिलीज हो रहा होता है ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम में मौजूद होते हैं इसके कुछ एपिथेलियल सेल और गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो एंट्रेंस होती है वो म्यूकस से सराउंडेड होती है, और म्यूकस से सराउंडेड है ताकि जब काइम एंटर हो तो वो इसको डिस्ट्रॉय ना कर दे, इसके एपिथीलिया को डिस्ट्रॉय ना कर दे। इस वजह से म्यूकस की थिक लेयर यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो जब यहाँ पर आता है बेटा तो स्टिमुलेशन जो है सबसे पहले पेनक्रियाटिक जूस तक जाती है। जब एसिडिक काइम जब आ चुका होता है तो पेनक्रियाटिक जूस तक स्टिमुलेशन जाती है। यहाँ पे जो इसके सेल्स हैं वो रिलीज़ करते हैं सिक्रेटिन। मैं ये पढ़ाऊँगा इसका भी, लेकिन अभी सिर्फ नाम बता रहा हूँ। सिक्रेटिन जाके पेनक्रियास को स्टिमुलेट करता है और पेनक्रियास से फिर आता है हमारे पास पेनक्रियाटिक जूस। मैं पूरा स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगा आगे की वीडियोज़ के अंदर, अभी सिर्फ डाइजेशन से रिलेटेड बात करूँगा। तो जब यहाँ पर जो है एसिडिक काइम आता है तो एसिडिक काइम की वजह से सिक्रेटिन रिलीज हो रहा है, और सिक्रेटिन जो है क्या कर रहा है, पेनक्रियास को स्टिमुलेट कर रहा है ताकि वो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करे। और इस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट जो है, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्ट ये उस एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये इसका काम होता है। और पेनक्रियाटिक जूस जो है हमारा वो एंजाइमेटिक जूस है। इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं भाई? सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है पेनक्रियाटिक अमाइलेस। मैं पेन लिख देता हूँ ताकि लिखने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेस होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेस, अमाइलेस की डाइजेशन अमाइलेस सलाइवा में भी प्रेजेंट था, सलाइवरी अमाइलेस कह रहे थे, और जो कि स्टार्च की डाइजेशन कर रहा था तो वहाँ से स्टार्च की डाइजेशन स्टार्ट हो गई थी, लेकिन स्टमक में रुक गई थी। तो फिर ये दोबारा से स्टार्ट हो जाती है यहाँ पर, स्टार्च को जो है माल्टोज में और ग्लाइकोजन को जो है माल्टोज में जो है ये अमाइलेस कन्वर्ट कर रहा होता है। इसके अलावा फिर हमारे पास जो है यहाँ पर दो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिनोजन और एक होता है काइमोट्रिप्सिनोजन। तो अब ये दोनों ही इनएक्टिव फॉर्म में, आपको बताया था कि भाई हमारे पास जो एंजाइम्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं कि कहीं वो हमारे सेल को ही जो है ना डिस्ट्रॉय ना कर दे।
तो एक इंटेस्टिनल ग्लैंड से एक एंजाइम रिलीज होता है जिसका नाम है इंटेरो काइनेस। सही है, ये इंटेरो काइनेस क्या करता है, ये ट्रिप्सिन और जिनको एक्टिव कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर, ताकि ये अपनी डाइजेशन करवा सके। और ट्रिप्सिन जब जो है एक्टिवेट होता है, तो ये ट्रिप्सिन एक्टिवेट कर देता है काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन के अंदर। तो इस तरीके से दोनों जो है हमारे पास एंजाइम जो है एक्टिवेट हो चुके होते हैं। तो ट्रिप्सिनोजेन क्या करता है बेटा, ट्रिप्सिनोजेन जो है ये प्रोटीन की लाइसिस करवाता है, यानी प्रोटीन और पेप्टाइड्स को छोटे चेन के अंदर ब्रेक कर रहा होता है। प्रोटीन की जो है पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर इसको ब्रेक कर रहा होता है, यानी इसको छोटे छोटे चेन में तोड़ रहा होता है, पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स पेप्टोन्स इन चीज़ों में तोड़ रहा होता है। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, काइमोट्रिप्सिन जो है मिल्क में जो कैसीन मौजूद होता है उसकी डाइजेशन कर रहा होता है, और उसको अमाइनो एसिड्स में और उसको पॉलीपेप्टाइड्स के अंदर तोड़ रहा होता है। दैट्स द फंक्शन ऑफ काइमोट्रिप्सिन। फिर आ जाता है हमारे पास अगला जो आता है, अगला जो हमारे पास एंजाइम है वो है हमारे पास पेनक्रियाटिक लाइपेज। पेनक्रियाटिक लाइपेज आपको पता है, लाइपेज जो है एक और जगह पे प्रोड्यूस होता है, स्लाइवा में। स्लाइवा में प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लिंगुअल लाइपेज कह रहे थे एबनर्स ग्लैंड से। तो वहाँ पे तो लिपिड की डाइजेशन प्रॉपरली हो नहीं पाई थी, लेकिन पेनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड लिपिड को, इमल्सिफाइड लिपिड क्या होते हैं ये भी आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो इमल्सिफाइड लिपिड्स को जो है फिर ब्रेक कर रहा होता है ग्लाइसरोल के अंदर और फैटी एसिड्स के अंदर, तो ये इसकी ब्रेक डाउन करवा देता है। सही है, अब होता क्या है बेटा, ये पेनक्रियाटिक जो है ये हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये जब ये इसको तोड़ेगा ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को, तो ये पेनक्रियाटिक हमारे लिए जो है ऐसे नहीं तोड़ सकता, इमल्सिफिकेशन की नीड होती है, इमल्सिफिकेशन की नीड होती है उसको। तो इमल्सिफिकेशन कैसे होती है, यानी जब ड्यूडेनम में फूड आता है और उस फूड के अंदर जब फैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो फैट कंटेंट की वजह से जो है एक हार्मोन रिलीज होता है CCK, यानी कोलेसिस्टोकाइनेंस। सही है, ये मैं आपको समझाऊंगा आगे, बस अभी सिर्फ नाम याद रखो। सही, अभी सिर्फ आपने जो है याद रखना है नाम, और कुछ नहीं याद रखना। तो कोलेसिस्टोकाइनेन जो है ये रिलीज हुआ, ये रिलीज होने के बाद क्या करता है, ये गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है। गॉल ब्लैडर को कोलेसिस्ट भी कहा जाता था, जब भी इसका नाम भी कोलेसिस्टोकाइनिन। तो गॉल ब्लैडर को स्टिमुलेट करता है, और फिर वो क्या रिलीज करता है, वो गॉल ब्लैडर में यहाँ लिख देता हूँ अलग से, गॉल ब्लैडर जो है बल्कि गॉल ब्लैडर का काम क्या है, गॉल ब्लैडर फिर क्या करेगा, बाइल जूस जो है रिलीज करवाएगा। सही है, बाइल जूस रिलीज करवाएगा, और ये बाइल जूस क्या करेगा, इस बाइल जूस के अंदर हमारे पास जो है क्या क्या चीज़ें मौजूद होती है, इस बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। तो आप ये याद रखना है कि नो एंजाइम इज प्रेजेंट इन बाइल जूस, नो एंजाइम, कोई एंजाइम नहीं है। फिर क्या क्या चीज़ें होती है भाई इसके अंदर, इसके अंदर हमारे पास मौजूद होता है बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट जिसके अंदर सोडियम ग्लाइकोएट है और सोडियम टॉरोक्लेट है। सही है, सोडियम ग्लाइकोएट एंड सोडियम टॉर्कोलेट। बाइल पिगमेंट मौजूद होते हैं, बाइल पिगमेंट जो है हमारे पास बाइल पिगमेंट में बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन है, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन है। ये बाइल पिगमेंट कहाँ से आते हैं, जब RBC की ब्रेकडाउन होती है ना, तो उसके ब्रेकडाउन होने की वजह से फिर ये पिगमेंट्स रिलीज होते हैं। एक और बात बता दूं बेटा, बाइलीरुबिन से रिलेटेड, बाइलीरुबिन जब स्मॉल इंटेस्टीन में आता है ना, तो बाइलीरुबिन के साथ क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज हैं जो इसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिसको हम कहते हैं यूरो बिलिनोजेन, यानी कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ बैक्टीरिया जो इस बाइलीरुबिन को यूरिनो बिलिनोजेन में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये यूरिनो बिलिनोजेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूल ब्राउनिश कलर, स्टूल का जो ब्राउन कलर होता है, तो ये ही रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसी के साथ साथ जो यूरिन का कलर होता है, क्योंकि ये फिर ब्लड में भी जाता है, तो यूरिन कलर जो है येलोइश कलर जो होता है, वो इसी यूरोबिलिनोजन की वजह से ही हो रहा होता है। सही है, अच्छा, और इसके अलावा बाइल पिगमेंट है, बाइल सॉल्ट है, इसके अलावा इस बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रोल होता है,
और लेसिथिन होता है। लेसिथिन हम फॉस्फोलिपिड को कह रहे हैं, तो डोंट कंफ्यूज। तो लेसिथिन मौजूद होता है, नाम इसलिए बता दिया कि हो सकता है MCQs में पूछ लिया जाए और आप लेसिथिन समझो और लेसिथिन को जो है समझो कि ये कुछ और है। तो लेसिथिन जो है फॉस्फोलिपिड्स को कहते हैं। तो ये चीज़ें प्रेजेंट होती हैं बाइल जूस के अंदर, और ये क्या करती है, इमल्सिफिकेशन करती है। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है बच्चा, एक बड़ा सा ग्लोब्यूल है फैट का, अब ये ग्लोब्यूल जो है डाइजेस्ट नहीं हो सकता, वाटर में सोलिबलाइज नहीं हो सकता, तो इसको क्या किया जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये हमारे पास इमल्सिफिकेशन कहलाता है, सही है। क्योंकि भाई इमल्सिफिकेशन यूजुअली अगर आप एक पानी में ऑयल डाल दो तो आपको क्या दिखेगा, पानी नीचे चला गया ऑयल ऊपर रह गया, लेयर सेपरेट हो गई, या ऑयल नीचे चला गया पानी ऊपर रह गया। तो अब उसको अगर आप ज़ोर ज़ोर से जो है ना एजिटेट करो, हिलाओ, शेक करो, तो फिर क्या होगा, उसकी वजह से वो आपको थोड़ी देर में दिखेगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है ना ऑयल में जो है या पानी में जो है, ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी में या पानी के ड्रॉपलेट्स ऑयल में जो है आपको नज़र आएंगे। दैट डिपेंड्स क्या आपने ज़्यादा लिया, आपने पानी ज़्यादा लिया ऑयल कम लिया तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स पानी में नज़र आएंगे, और अगर आपने ऑयल ज़्यादा लिया है पानी कम लिया तो पानी के ड्रॉप। तो खैर होगा क्या, अभी ज़रा हम फैट की बात कर रहे हैं, तो जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं ना, तो ये इमल्सिफिकेशन कहलाता है। बेसिकली होगा क्या, अब खाना खाया है, खाने में जो फैट मौजूद है, अब उसको हम इमल्सिफाई करने के लिए क्या करेंगे, खाना खाते साथ डांस करना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस चीज़ से बचने के लिए फिर क्या होता है, इसी चीज़ से हमारे पास ये जो बाइल जूस है ये कर रहा होता है इसको ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट। अब ये ड्रॉपलेट्स जो है ना आसानी के साथ एंजाइम्स के साथ कॉन्टैक्ट में आएंगे और ये डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से डाइजेशन यहाँ पर होती है। तो अभी तक जो है ये डाइजेशन जो होती है किस तरीके से, ये देखो भाई, ये जो पेनक्रियाटिक लाइपेस की बात की थी, कहाँ गया, पेनक्रियाटिक लाइपेस की बात की थी, ये डाइजेशन करता है लिपिड की। कैसे करता है, लिपिड है एसाइल ग्लाइसरोल की फॉर्म में, तो पहले ये एसाइल ग्लाइसरोल के साथ एक ग्लाइसरोल प्लस 3 फैटी एसिड्स, एक ग्लाइसरोल के साथ जो है ना 3 फैटी एसिड्स लगे हुए। तो ये क्या करता है, पहले एक फैटी एसिड निकालता है, एक फैटी एसिड निकले तो एसाइल ग्लाइसरोल से ये कन्वर्ट हो गया डाई एसाइल ग्लाइसरोल में। अब ये ट्राई एसाइल ग्लाइसरोल या ट्राई एसाइल ग्लाइसराइड है, तो एक फैटी एसिड निकल गया तो बन गया 2 डाई एसाइल ग्लाइसरोल। फिर उसके बाद दूसरा फैटी एसिड निकलता है तो मोनो एसाइल ग्लाइसरोल, फिर तीसरा भी निकल जाता है। तो इस तरीके से ड्यूडेनम में नहीं बल्कि जुजेनम में जाके जो है ना इसकी डाइजेशन कंप्लीट होती है। अच्छा जी, अभी तक प्रोटीन की डाइजेशन रह गई, लिपिड तो पूरा डाइजेस्ट हो गया, प्रोटीन बाकी है, और बाकी है हमारे पास ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट। तो जब जुजेनम तक बात आती है, सही है, जुजेनम में बात आती है, मैंने आपको बताया था देयर आर सम ग्लैंड जिसको हम ब्रूनर्स ग्लैंड कह रहे हैं, वहाँ से इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है, वहाँ से इंटेस्टिनल जूस प्रोड्यूस होता है। ये इंटेस्टिनल जूस में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स मौजूद हैं, कौन कौन से एंजाइम है, एक है अमाइनो पेप्टिडेस, अमाइनो पेप्टिडेस। ये क्या करेगा भाई, ये करेगा कि ये जो पेप्टाइड्स जो बचे हुए आ गए, यानी जो अभी जो पेप्टाइड्स रह गए उनको फिर डाइपेप्टाइड्स और अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा, डाइपेप्टाइड्स प्लस अमाइनो एसिड्स। अच्छा, अमाइनो एसिड्स बन गए यानी प्रोटीन की डाइजेशन कंप्लीट हो गई, बट ये डाइपेप्टाइड अभी भी रह गया, इसको भी डाइजेशन की ज़रूरत है। तो एक और एंजाइम होता है डाइपेप्टिडेस, एक और एंजाइम होता है हमारे पास डाइपेप्टिडेस। तो ये डाइपेप्टिडेस क्या करेगा भाई, ये डाइपेप्टिडेस ये करेगा कि ये जो डाइपेप्टाइड बचा है ये डाइपेप्टाइड को जो है ब्रेक कर देगा, डाइपेप्टाइड को तोड़ देगा किसके अंदर, अमाइनो एसिड्स के अंदर। और इसकी एग्जाम्पल में डाइपेप्टाइड की एग्जाम्पल है रिप्सिन, सही है, इसकी एग्जाम्पल है एरिप्सिन। अच्छा, इसकी डाइजेशन तो कंप्लीट हो गई, अब बच गई है क्या बच गया, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के लिए हमारे पास जो है हमारे पास ग्लाइकोसिडेज एंजाइम होता है जिसके अंदर हमारे पास माल्टेज है, माल्टेज है तो किसकी डाइजेशन करेगा भाई, ऑब्वियसली नाम से ही पता लग रहा है, माल्टोज को तोड़ेगा, माल्टोज को तोड़ेगा किसमें, 2 ग्लूकोज के अंदर। इसी तरह से लैक्टेज है, लैक्टेज लैक्टोज को तोड़ेगा एक ग्लूकोज में और एक गैलेक्टोज के अंदर। और इसी तरह से सक्रेज है, सक्रेज तोड़ेगा सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर।
तो इस तरीके से डाइजेशन जो है यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। अब आगे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगी, तो एब्जॉर्प्शन में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। होपफुली यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।